बीड़ू पाको बारू मासा ओ नरणे का फल पाको चेता मेरी छेला। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर। ये उठ गए हम। तुम कितने बजे उठे थे? हम अभी उठे। अच्छा, तो हम सब उठ गए हैं सनराइज देखने। तो बता रहे थे भैया कि 5:15 बजे हो जाता है, तो अलार्म लगा लिया था। अभी कुछ भी नहीं करा, पानी वानी कुछ नहीं पिया, सनराइज देखने आ गए। उधर रेज बाहर निकलने लग रही हैं, अभी थोड़ी देर में सनराइज होगा। मैं टाइम लैप्स पे लगा देता हूँ आपको, सनराइज होता हुआ देखने का बहुत अच्छा। शॉट देख के आपको मजा आया होगा। तो ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम मुक्तेश्वर, क्या बात है, इतना अमेजिंग व्यू हो सामने सुबह सुबह तो आपका दिन बन जाए। और साथ में चाय की चुस्की लेते हैं इस मौसम के साथ और मज़े लेते हैं। फिर दिन का प्लान बनाएंगे कि कहाँ जाना है। मज़े ले लो 2-3 दिन और फिर गर्मी में पहुंचो। फिर गर्मी में लू में पहुंचो। पता नहीं। सही बात है। कर ले। और चाहिए किसी को कुछ नमकीन? मैं चेयर ले आऊंगी। चाय ले लो। देरी मत, बस करने का बहुत। हां लो बेटा भी। तो लो जी, हो गए हम तैयार, एकदम रेडी फिट। और मैं रेडी कॉरी पे। सब हाँ अभी हो रही है। मैडम अपना मेकअप कर रही है अभी, छोटी मैडम। तो बस अब गौरी तैयार हो जाएगी, फिर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे कहीं घूमने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में। फिलहाल देखते हैं कि ये ब्रेकफास्ट में क्या बना रहे हैं, रूम में क्या इंक्लूडेड है, सब बताएंगे आपको। तो चलिए अभी पहले बाहर होके आते हैं। तो लो जी, अब तैयार व्यार हो गए हैं और अब नाश्ते के लिए बैठ गए हैं। नाश्ता भैया लोग बना रहे हैं, जैसे कल रात का बहुत अच्छा खाना बनाया था और ऐसे ही अब नाश्ता बनाया है। नाश्ते में आज है हमारे पराठे और पोहा, आलू प्याज के पराठे और पोहा। तो शक्ल देखो, पोहा पोहे की बड़ी सुंदर, मटर नहीं सॉरी क्या, मूंगफली और पराठे और साथ में राजू। कैसा है शानू? बहुत बढ़िया स्टफिंग कर रखी है मैंने, बढ़िया मस्त लग रहा है। आलू पराठा मैंने खाया है। भैया बना रहे हैं पराठे गरम गरम, ये बहुत अच्छे लगे। अब मैं भी खा के देखता हूँ, चाय बन रही है हमारी। चलो जी अब नाश्ता करते हैं पहले और फिर बात करते हैं थोड़ी देर में। शक्तिमान पराठा बनाया है दिनेश के लिए। शक्तिमान नाम क्यों है इसका? ये बहुत बड़ा पराठा है इसलिए शक्तिमान है। साइज है, साइज के हिसाब से है। अच्छा, ये शक्तिमान पराठा बोलते हैं। ये देखिए आप, क्या बात है। एक में पेट भर जाए, आप खाएंगे इसको एक? सिया नहीं खा पाएगी तो तवे पे भी नहीं आ पाएगा। हाँ तवे से बड़ा हो गया। हेलो जी, निकल गए हम भालूगढ़ फॉल के लिए। साथ सब बैठते हैं गाड़ी में। अब दिन के टाइम में गर्मी है तो सिर्फ हाफ स्लीव टी शर्ट में ही है सबके सब। और 1 किलोमीटर का ट्रैक है बस वो। सीधा 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 सीधा। हाँ
ऑफ रोडिंग सब चीज, रुक जाओ, सब चीज का मजा देंगे आपको, ऑफ रोडिंग का भी देंगे। मम्मी डर तो नहीं लग रहा? अच्छा चलो जी, तो पहुंच गए हम भालूगढ़ वाटरफॉल। यहाँ पीछे हमने पार्क कर दिया गाड़ी और यहाँ पे बता रहे हैं कि पानी कम है वाटरफॉल पे, लास्ट टाइम भी बहुत कम था, इस बार देखते हैं जाना या नहीं, कुछ वर्थ है नहीं है। और कह रहे लास्ट वीक तक थोड़ा सही था पानी, अच्छा, बट बारिश नहीं पड़ रही ना, हाँ, तो इस चक्कर में अभी कम है, थोड़ा कम है, पौंड में है बट अच्छा उसमें कम होता। लास्ट टाइम भी यार मज़ा नहीं आया था मुझे, तो देखते हैं अभी। बाकी तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और संडे भी है, छुट्टियां भी चल रही हैं। लास्ट टाइम बस हमारी गाड़ी थी पार्किंग में। क्या हुआ, तुम आ क्यों रहे हो? हेलो फ्रेंड्स, अच्छा जी, एक बार ब्लॉग में आ जाओ। अरे मोबाइल उठाओ, अब तो हर कोई ब्लॉग बना सकता है, ये कैमरा नहीं आना ऐसी क्वालिटी का। अरे सब हर फोन में इतने कैमरा तो आता है कि वीडियो बन जाए। इसका नाम है आपके YouTube का? सनी एनरिकी। इसे 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 ले लो, इसे जरूर ले लो। आ गए आ गए, अपने अकेले जीवन से तनहा है, अपने अकेले जीवन से परेशान चल रहा है सिकंदर राजा। यहाँ पे भैया बता रहे हैं अनाउंसमेंट करके कि गिरता हुआ पानी नहीं है, पौंड में है पानी। चलो तो अब चलते हैं वाटरफॉल की ट्रैकिंग करने। 1 किलोमीटर की है, 1200 मीटर के आसपास। तो मम्मी तो यहीं पे बैठ रही हैं, उनको चलने का थोड़ा सा वो है इशू क्योंकि थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है। हम चल रहे हैं, 60 रुपये का टिकट है यहाँ पे एक आदमी का, और दिक्कत बस ये है कि यहाँ पे फॉल में पानी नहीं है, थोड़ा पौंड में है बस। अब वो ये कि अब यहाँ नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे, अब इस टाइम पे चौली की जाली पे कोई क्या करेंगे, वो सनसेट पॉइंट है, वहाँ शाम को कवर करेंगे। जंगल क्या सी है? कौन सा वाटरफॉल लेके जा रही हो? पहले ये दिखा दो। चलो दिखाते हैं। दीदी क्या है भाई ये? नींबू है, इतना बड़ा बात होता है और इतना मीठा होता है, क्या बताऊँ? नींबू और मीठा है, इतना बड़ा हो गया इसका, क्या साइज है इसका? नींबू के पापा जी है ये, नींबू के दादाजी, दादाजी। कौन सा वाटरफॉल लेके चल रही हो मुझे? मैं तुम्हें आज एक ऐसा वाटरफॉल दिखाऊंगी, मैं सबको दिखाऊंगी जिसमें कभी पानी नहीं होता। और वो अपने वादे का इतना पक्का है कि पिछली बार भी पानी नहीं था और इस बार भी वादा निभाया है, अब भी पानी नहीं है। वो है ड्राई वाटरफॉल। इस जगह का नाम भालूगढ़ वाटरफॉल इसीलिए क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पहले भालू बहुत थे। हाँ हाँ, तो नदी निकल रही थी। अरे तो सच, तो जो मैं सच बता रहा था तुम झूठ मजाक समझ रही थी। पानी की स्ट्रीम्स हैं उनको गढ़ कहते हैं। हाँ तो मैं, हम भी तो यही बता, तुमने ऐसे झूठ से, हाँ ये सोच रहे थे हम मजाक कर रहे हैं, हम गाने चल रहे हैं मस्त। यहाँ पे बिल्कुल अंदर जंगल में कैफे बना रखा है, इस वक्त अरे इस वक्त ना भाग सुनाक वाटरफॉल पे होते भालूगढ़ की जगह। अरे ऐसा नहीं है, ये भी बहुत अच्छा है, और कोई भी चीज़ अच्छी बुरी नहीं होती, इंसान है जो उसे अच्छा और बुरा बनाता है। स्लोगन ओ ये वो, ताली बजाओ ताली। अगली बार मैं इलेक्शन, बिल्कुल बेकार, यहाँ पे फिट भी नहीं होता ये। चाय कॉफी मैगी मोमोज, नींबू पानी लेमन सोडा है। थैंक यू। एक पॉइंट और है ये नीचे, हाँ और आगे है, तो यहाँ पे भी पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे सब जगह सूखा पड़ा है ही नहीं पानी। है तो वहाँ पे थोड़ा सा, हाँ पानी कहाँ ही नहीं, थोड़ा सा है तो है ही नहीं पानी।
बना देखो फिश है अंदर, देखो हाँ अंदर छोटी छोटी फिश जगह जगह पे इतनी स्ट्रीम है कि अगर इस पे अच्छा पानी चलेगा तो कितना ब्यूटीफुल होगा। नहीं शानू ये वाला पैच बहुत सुंदर आया, पानी जा रहा है फिर आप थोड़ा सा आगे चले फिर पानी आ रहा है, बहुत सुंदर लगे यहाँ वाला, ये वाला पैच बहुत सुंदर है। यहाँ बीच में हट है, यहाँ पे कुछ कुछ इन्होंने खेती कर रखी है, ऊपर कुछ फन एक्टिविटी है, साइकिलिंग कर सकते हैं रोप पे। दिस पैच इज ब्यूटीफुल। वहाँ पर डक है और ये पानी आ रहा है पीछे पहाड़ों में से, बहुत अच्छा पानी होगा पीने के लिए ये वाला। लो जी पहुँच गए हम, हाँ टिकट है भैया, ये लो भैया ये रहा। तो ये जो है ना यहाँ पे 40 फीट है लगभग, इसीलिए यहाँ पे लाइफ जैकेट के साथ ही जाते हैं। गहराई 40 फीट है और ऊंचाई 56 फीट है। हाँ और अभी वाटरफॉल में पानी जो है बहुत कम ही आ रहा है, ना के बराबर यहाँ पे, लेकिन जब पानी चलता होगा ना बहुत सुंदर लगता होगा ये। तो ये है जी वाटरफॉल, पानी कैसा है, अच्छा पानी है, पानी नहीं है वाटरफॉल में बिल्कुल भी, लेकिन गहरा है ये काफ़ी। ये मतलब वाटरफॉल अच्छा है लेकिन फॉल में पानी होता तो और मज़ा आता, बस यहाँ पे 5 मिनट रुक के फिर चलेंगे। तो ये भैया से हमने क्या काफल है भैया, काफल काफल सर। अच्छा जय श्री राम। तो भैया ये यहीं पे पहाड़ों पे होते हैं, यहीं से पहाड़ों पे होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। अच्छा खून की कमी दूर करता है, माइंड को फ्रेश रखता है, पेट की डाइजेस्ट सही रखता है। अच्छा पेट आपका खराब हो रहा है तो पेट को भी सही करता है भैया। बढ़िया है, हमने एक कप लिया है भैया से, कैसा है खाने में, अच्छा है, गुडली ज्यादा ऊपर थोड़ा थोड़ा है, ऊपर खाना भी बनाया बहुत बढ़िया। अच्छा बेड़ू पाको बारु मासा ओ नरण का फल पाको चेता मेरी छेला, अरे आपू खाने पान सुपारी नरणा मैग दिन बीड़ी मेरी छेला, बेड़ू पाको बारु मासा ओ नरण का फल पाको चेता मेरी चेला, ओ अलमुड़े की नंदा देवी, अलमुड़े की नंदा देवी नरणा फूल चढ़ो लो पाती मेरी चेला, बेड़ू पाको बारु मासा ओ नारण का फल पाको चेता मेरी चेला। क्या बात है, बहुत अच्छी आवाज है आपकी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया थैंक यू।